हजरत इमाम मालिक रहिमहुल्ला फरमांदे ने मदीने दे लोगो जिन्हें इस्लाम च बिदत नू इजाद कीता फिर उन्हें क्या है बिदते हसन है यही आंदे ने ना वो बोलते नहीं आ ईद मिलाद आ गई है ना ते चाचा जी हैरानगी इस गल दी है जेड़ी 600 साल बाद बिदत शुरू हुई है ना उहदे दलायल कुरान चो देंदे ने कुरान चो आयतां पढ़ पढ़ के मौलवी दलायल दे रहा है जश्न ईद मिलादुन नबी दे मैं क्या मौली साहब 1,44,000 सहाबा सन उन्होंने ऐतां की समझ नहीं आई तेनू बहुती आई है वो बोलते नहीं हजरत अबू बकर सिद्दीक नू समझ नहीं आई हजरत उमरे फारूक हजरत उस्मान हजरत अली दीगर सहाबा रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन उन्होंने समझ नहीं आई मेरी अम्मी ऐशा सिद्दीका नू समझ नहीं आई जिन्हें नबी की जलवत भी बयान की थी आका की खलवत भी बयान की थी बोलते नहीं जलवत भी खलवत भी कोई मर्द अपनी बीवी की तनहाई बयान ना करे और कोई औरत अपनी खामत की तनहाई बयान ना करे शरीयत ने पाबंदी ला दी लेकिन अम्मा ऐशा ने नबी की खलवत बयान की थी क्यों नबी की खलवत भी दीन है आका की जलवत भी दीन है ते मेरी मां ऐशा नबी की वफात तो बाद 47 साल जिंदा रही अगर किसी को झंडी लाता हुक्म दिता है सानू भी विखाओ बोलते ने हजरत अबू हुरैरा 5,374 हदीसा के हाफज ने 3 साल 2 महीने नबी की माइयत च रहे और ये भी नबी की वफात तो बाद 47 साल जिंदा रहे नबी का नवासा हजरत हुसैन 50 साल जिंदा रहे हजरत हसन 47 साल जिंदा रहे किसी सहाबी ने यार कोई झंडी लाइए सानू भी विखाओ तुम कागजां दी झंडियां लाते हो अं सोने दी ला दें बोलते नहीं यार विखाओ तो सही नबी का आखिरी सहाबी हजरत अबू तुफैल आमिर बिन वासला पैगंबर की वफात तो बाद आखिरी सहाबी 99 साल जिंदा रहा 99 साल अगर आखिरी सहाबी ने किसी बाजार के अंदर कोई झंडी लाई है तो सानू विखा दौ आखिर 99 साल पूरा करसा है क्यों जी कारी साहब पूरी सदी है 99 साल 110 हिजरी च यह सहाबी फौत हो 11 हिजरी च आका दुनिया तो गए ने सारिया गल्ला छड़ो जिस इमाम की तकलीद कर दौ हजरत इमामे अबू हनीफा रहमतुल्ला अलैह यार उन्हां दी किसे जिंदगी च विखा दौ झंडी वो बोलो तो सही यार की होया जी पीर अब्दुल कादर जिलानी ने लगाई हो तभी विखा दौ और मेरे भाई ये बिदत है इनू बिदत नू इजाद करके फिर आंदे ने बिदते हसन है हजरत इमामे मालिक रहिमहुल्ला फरमाते ने इस्लाम च बिदत नू इजाद करके आंदा बिदते हसना जिस बंदे ने कहा बिदते हसना है असल दे अंदर उहदा कीता वे कद खाना मुहम्मदन मुहम्मद ने साडे तक दीन पहुँचाण लग्या खयानत कीती है दीन ते असी पूरा करन डए आ पहलू दीन नहीं सी पूरा होना ही पूरा करने आ ओम शेखुपुरियो दीन ओही है जिहड़ा आप दी ज़बाने नबूवत चो निकलिया है दीन ओही है जो आप दे कलबे अत्तर ते नाजल होया है अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे महबूब कियामत तक जिन्ने घर के दीन बनाए जाणगे मौलवी करनगे ये दीन घड़े जाण डए ने ना आए दिन नवी बिदत ये दीन घर के बनाए जाणगे इन्हां सारे दीना ते मेरे महबूब तेरा दीन गालब आके रहेगा वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही वलौ करिहल काफिरून वल्लज़ी अरसल رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا
ਉਹ ਲੋਗੋ ਦੁੱਧ ਉਹੀ ਖਾਲਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੱਝ ਦੇ ਥਣਾਂ ਚੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਦੇ ਨਲਕਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਖਾਲਸ ਨਹੀਂ, ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਖਾਲਸ ਨਹੀਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇ ਖਾਲਸ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਪਾ ਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਖਾਲਸ ਨਹੀਂ। ਦੁੱਧ ਉਹੀ ਖਾਲਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੱਝ ਦੇ ਥਣਾਂ ਚੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੀਨ ਉਹੀ ਖਾਲਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੇ ਨਬੂਵਤ ਚੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ।